हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी डिशेस। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बढ़िया सी डिश लेकर के, जिसका नाम है ड्राई अरबी। सूखी अरबी लोगों को बहुत पसंद आती है, स्पेशली जब हम इसको दाल चावलों के साथ खाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि इसके लिए मैंने क्या क्या रेसिपी, क्या क्या सामान ले करके रखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अरबी ली है जो कि बॉईल की हुई अरबी है, और मैंने इसको राउंड उसमें कट करके रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा प्याज लिया, छोटा छोटा कट किया, दो हरी मिर्च कट करके रखी है, 6 से 7 कलियाँ लहसुन की, और 1 इंच अदरक का लिया हुआ है, थोड़ा हरा धनिया पत्ता लिया है यहाँ पे, नमक आपको टेस्ट के अनुसार रखना है, और 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लिया, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और 2 मीडियम टमाटर लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और इसमें मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, आप देख सकते हैं मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाली है। इसके बाद मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालूंगी। फ्रेंड्स, आप जीरे की जगह अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, बट मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। और इसके बाद मैंने इसमें जो एक बड़ा प्याज छोटा छोटा कट करके रखा था, अब हम इसमें वो डालेंगे। इसमें मैंने अपनी हरी मिर्च भी ऐड कर दी है, और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे 2 से 3 मिनट पूरे हो गए, और इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और अब हम अपनी प्याज को गोल्डन होने तक वेट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी प्याज गोल्डन हो चुकी है, और मैंने इसमें 2 टमाटर लिए जो कि मीडियम साइज़ के लिए थे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं अपने टमाटरों को बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि जो मेरे टमाटर है ना, वो अच्छे से पक जाएं। फ्रेंड्स, मेरे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं मेरे जो टमाटर हैं वो काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, आप देखिए अच्छे से पके हैं। और अब मैं इसमें मेरे जो भी ड्राई मसाले थे वो मैं सारे ऐड कर लूँगी। तो इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है, इसके बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है, और 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर लिया है, नमक मैंने अपने टेस्ट के लिए अनुसार ही लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर अपना ये जो मसाला, इसको ढक के रख दूंगी, ताकि मेरा मसाला अच्छे से पक जाए, बिकॉज सब्ज़ी में मसाले का पकना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पकने के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, मेरे 2 से 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, और मेरा ये जो मसाला है वो काफ़ी अच्छे से पक चुका है। मैं अपने मसाले को काफ़ी अच्छे से पका लेती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें जो हमने अरबी ली थी अपनी बॉईल, मैंने यहाँ बॉईल की हुई अरबी ली है जो कट करके रखी थी, अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मेरी सब्ज़ी मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं, और मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स किया। इसमें मैंने 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर लिया है, और अब हम इसको फिर से अच्छे से, जो हमने गरम मसाला ऐड किया, इसको अच्छे से सब्ज़ी में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने जो अपना हरा धनिया पत्ता कट करके रखा हुआ था, अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। इसको भी फ्रेंड्स हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मेरी सब्जी एकदम रेडी है, और हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अपनी सब्जी को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी सब्जी एकदम रेडी है, और जिस तरीके से मैंने ये बनाई है, तो आपको भी ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ज़रूर। और प्लीज़, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।